जमीन मिल गई, फूड पार्क का पूरा काम शुरू था और मोदी जी की सरकार ने सिर्फ बदले के कारण, और कोई कारण नहीं था, सिर्फ बदले के कारण उस फूड पार्क को कैंसिल किया। और आपको, अमेठी के किसान को, रायबरेली के किसान को, मजदूरों को और आसपास में जो डिस्ट्रिक्ट है उनके किसानों को जबरदस्त चोट पहुंची। वो सोचते हैं कि वो मुझे चोट पहुंचाए, दुख मुझे जरूर होता है, मगर चोट, असली चोट आपको आपको लग रही है, किसान को, मजदूर को लग रही है। और ये सिर्फ अमेठी रायबरेली में नहीं कर रहे, पूरे हिंदुस्तान में वो चुन, पूरे हिंदुस्तान में, आप सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है, पूरे हिंदुस्तान में वो चुने हुए लोगों की सरकार चला रहे हैं, उद्योगपतियों की, दो तीन उद्योगपतियों की सरकार चला रहे हैं, और जो भी किया जा रहा है उनके लिए किया जा रहा है। आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ओला पड़ा है, आपको मुआवजा मिलना चाहिए, ये हम पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे और दबाव डालेंगे, सड़क पर दबाव डालेंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में डालेंगे और लोकसभा में, राज्यसभा में दबाव डालेंगे, और आपको जो मिलना चाहिए उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, मगर जो भी हम कर सकते हैं सड़क में, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में हम करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।